हेलो दोस्तों, चलिए अरस्तु यानी अरिस्टोटल के बारे में आज पढ़ते हैं। तो ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड की एक सेकंड यूनिट है दोस्तों, जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अरिस्टोटल, इनका जो टाइम पीरियड रहा है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक जगह पर हुआ था, जो यूनानी निवेश था। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर का गुरु था। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। तो अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस। तो ये फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस कहे जाते हैं, और जो प्लेटो है, प्लेटो उसको फादर ऑफ पोलिटिकल फिलासफी कहा जाता है, फादर ऑफ पोलिटिकल फिलासफी। और जो अरस्तु जो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस, उनको फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, फादर ऑफ फिलोसफी। तो गुरु फादर ऑफ फिलोसफी, चेला फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, चेले का चेला ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये उन्होंने पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। अरस्तु ने लीसियम नामक शैक्षणिक संस्थान 335 ईसा पूर्व में खोला। तो अरस्तु द्वारा दोस्तों आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया गया, इंडक्टिव मेथड। प्लूटो ने डिडक्टिव मेथड का यूज किया था, डिडक्टिव मेथड। फिर द्वंद्वात्मक यानी डायलेक्टिकल मेथड का इन्होंने भी उपयोग किया प्लूटो की तरह। फिर उन्होंने परपोजिव यानी स्वदेशी मेथड का भी उपयोग किया। अन्वेषणात्मक अपोलिटिक मेथड का भी उपयोग किया। अंशात्मक यानी एक्सप्लोरेटरी मेथड, यानी एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को। इसके अलावा विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल मेथड का भी उपयोग किया। प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हीगल, ग्रीन इत्यादि आदर्शवादी विचारक हैं ये। तो ये आइडलिस्ट थिंकर है। हालांकि अरस्तु इतने ज्यादा आइडलिस्ट नहीं है, बिकॉज ये मटेरियलिस्टिक थिंकर है। और आगे चल के हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से प्रैक्टिकल विजन की बात करते हैं। प्लेटो की तरह नहीं है जो ना वर्ड ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, ये रियल वर्ड की बात करते हैं अरस्तु। तो अरस्तु को इस कैटेगरी में रखना थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। वे विचारक आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल देते हैं, यानी ऑट टू बी पर, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए पर बल देते हैं। अरस्तु एथेंस से काल्चिस भाग गया था। तो अरस्तु एथेंस से काल्चिस भाग गया था ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सके। अध्ययन पद्धति, तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति यानी टीलोलॉजिकल कहा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। टीलोलॉजिकल पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। अरस्तु ने टीलोलॉजिकल मेथड का उपयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। तो राज्य को व्यक्ति से पहले बताया, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। अरस्तु के अनुसार राज मनुष्य का पूर्वगामी है, पूर्वगामी है। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट पहले आया है, फिर मनुष्य का जन्म हुआ। हालांकि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि पहले मनुष्य आया होगा फिर स्टेट का जन्म हुआ होगा ना, लेकिन अरिस्टोटल ऐसा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति राज में ही उन सब चीजों को करने में सक्षम होता है जो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो ये महत्वपूर्ण है स्टेट का। टियोलॉजिकल पद्धति है, उसका विस्तृत अभिप्राय क्या है? तो ये मटेरियल कॉज देते हैं, फिर एफिशिएंट कॉस्ट देते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट फॉर एग्जांपल लकड़ी, फिर निर्माण के यंत्र, फिर फॉर्मल कॉस्ट, तो इसमें मेज का विचार आया, फिर फाइनल कॉस्ट, मेज का निर्माण हो गया। तो एक लकड़ी थी, उसमें कुछ निर्माण के यंत्र का उपयोग किया गया, मेज का विचार आया और मेज का फाइनली निर्माण कर दिया गया। तो मटेरियल कॉस्ट, एफिशिएंट कॉस्ट, फॉर्मल कॉस्ट और फाइनल कॉस्ट। स्वर्णिम मध्यम मार्ग का सिद्धांत, तो गोल्डन मीन की थ्योरी देते हैं। गोल्डन मीन की कौन? अरिस्टोटल। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का विचार प्रभावी है।
यह विचार अस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली और संपत्ति के संदर्भ में भी उन्होंने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। राज्य, राज्य के विकास का क्रम परिवार, पहले परिवार, फिर गांव और फिर राज्य। तो सबसे पहले फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक गांव बना, एक विलेज का निर्माण हुआ और बहुत सारे विलेज बनकर अल्टीमेटली स्टेट को फॉर्म करते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक और आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। तो राज्य है, स्टेट है, वो फैमिली ऑफ फैमिली है, फैमिली ऑफ फैमिली है या कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटी है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। तो उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है, या तो वह पशु है या देवता है। तो वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, ही इज आइदर बीस्ट और गॉड, ही कैन नॉट बी ह्यूमन। अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है, तो एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। कौन? राज्य, जो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। तो राज्य सेल्फ सफिशियंट है और ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। फैमिली, परिवार और विलेज से भी ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है। अरस्तु के राज्य के आदर्श राज्य की विशेषताएं, तो शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या ना ज्यादा हो ना कम होनी चाहिए। राज्य का आकार भी ना ज्यादा हो ना अधिक होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम होना चाहिए। राज्य समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र बुद्धिमान और साहसी दोनों का मिलाजुला रूप होना चाहिए। आंगिक राज्य, तो आंगिक राज्य तो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक स्टेट या आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो एक एक अंग का कोई विशेष महत्व नहीं जब तक कि पूरी तरह से एक बॉडी न क्रिएट हो जाए। तो ऐसे ही व्यक्तियों का अगर कोई महत्व नहीं है, व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है जब तक कि स्टेट न हो जाए। राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, हीगल एवं ग्रीन के राज्य का विचार आंगिक है, यानी ऑर्गेनिक है। अरस्तु ने अर्थव्यवस्था के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा है। उसके अनुसार जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य नैतिक और सद्गुण जीवन यापन होना चाहिए। अरिस्टोटल ने व्यक्ति के जीवन के निजी और पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए उसने इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया। अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा, तो अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन के दो पक्ष होते हैं और आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन होता है। इसलिए अरिस्टोटल ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, जिसका अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन करना है जो ईश्वर की विशेषता के समान है। तो द थिंग विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन एंड एनिमल क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैन को एनिमल से अलग करती है? उसका सद्गुणी और नैतिक जीवन यापन करना। इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना जीवन का मूल उद्देश्य है, समुदाय का कल्याण है, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों को पूर्ण करना। यह विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार का विचार, अरस्तु ने परिवार को महत्व प्रदान किया है। परिवार में अरस्तु ने पति, पत्नी, बच्चे एवं दासों को शामिल किया है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति, पत्नी, बच्चे एवं दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है, जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। तो पति में या कि जो काइंड ऑफ मास्टर होता है, हस्बैंड होता है, उसमें रीजन डोमिनेट करता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है, सेमी रीजन होता है, जबकि बच्चों में विवेक अविकसित होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है।
डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होता है। जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। अतः अरस्तू के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। तो अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मास्टर। तो जो स्टेटमैन की अथॉरिटी है, स्टेटमैन यानी जो स्टेट का हेड होता है, मोनार्क होता है, उसकी अथॉरिटी और जो मास्टर यानी जो परिवार का मुखिया होता है उसकी अथॉरिटी डिफरेंट होती है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। अरस्तू ने इसका खंडन किया। प्लेटो के अनुसार क्या है कि मुखिया का शासन राजा का नागरिकों के समान होता है। तो जिस प्रकार जो मास्टर होता है या घर में जो पति होता है, हस्बैंड होता है, उसका इस प्रकार शासन उसके परिवार पर रहता है, उसी प्रकार जो स्टेट्समैन होता है, जो मोनार्क होता है, उसका भी शासन उसकी प्रजा पर होता है, सब्जेक्ट पर होता है। लेकिन प्लेटो इसका खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं होता। परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राज्य का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। परिवार का मूल उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंधन करना है, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार एवं गांव से मिलकर होता है। अतः राज्य परिवार एवं गांव से गुणात्मक एवं व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न है। दास प्रथा पर विचार। तो अरिस्टोटल ने दास प्रथा का समर्थन किया है। सबसे पहली बात, अरिस्टोटल के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें रीजन नहीं है वो दास बनने योग्य है। अरस्तू ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवन संपत्ति एवं परिवार का भाग होते हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तू के तर्क। तो अरस्तू के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। अरिस्टोटल स्लेवरी को नेचुरल मानते हैं। दास प्रथा दासों एवं स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। तो जो स्लेवरी सिस्टम है, जो स्लेवरी है, वो मास्टर्स के लिए भी उपयोगी है और स्लेव के लिए भी उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उसके द्वारा घरेलू कार्य करने में स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त सीमा मिल जाएगा। तो अगर स्लेव घर के काम संभाल लेगा तो मास्टर को वो सब काम नहीं करने पड़ेंगे और वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, कहाँ, सिटी स्टेट में। और दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। तो धीरे धीरे मालिक यानी गुड कंपनी में रहते रहते एक समय ऐसा आएगा कि स्लेव भी अपना रीजन डेवलप कर लेंगे। तो ये दास के लिए ही फायदेमंद है। अरस्तू ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का समर्थन भी किया। तो अगर समहाउ स्लेव रीजन डेवलप कर लेते हैं तो उनको अब उनके मास्टर्स द्वारा फ्री कर दिया जाना चाहिए। बार्गर के अनुसार अरस्तू भी दास प्रथा में मानवीयता का तत्व, तो अरस्तू की दास प्रथा में मानवता का तत्व मौजूद है। आधुनिक दास प्रथा और अरस्तू की दास प्रथा में अंतर। तो आधुनिक दास प्रथा 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय एवं बर्बर व्यवहार किया जाता था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था, इन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अतः अरस्तू की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तू की दास प्रथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अरस्तू ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। इसके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। अरस्तू के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। तो वो प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे, केवल डोमेस्टिक हेल्पर की तरह वो काम करेंगे। अरस्तू के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तू के अनुसार दासों के साथ मानवीय एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तू के अनुसार दास मालिक के शरीर के ही विस्तृत रूप है। उसने तो यहां तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों में रखा जाएगा। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। तो अरस्तू ने अपने
गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है, जबकि प्लेटो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो इन्हें रूल ऑफ इग्नोरेंट मासेस मानते थे। कौन? प्लेटो। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। तो ला इज रीजन विदाउट पैशन। अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा कि जब व्यक्ति विधि एवं न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अव्यक्तिक होती है, यानी इम्पर्सनल होती है, क्योंकि विधि शासन एवं शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासन निशासक और शासित दोनों विधि के लिए समान है। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी नहीं होते हैं, तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होता है। अगर रूल ऑफ लॉ होता है तो शासन का आधार शासितों की सहमति से होता है, यानी कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। तो जिन्हें गवर्न किया जा रहा है उनकी कंसेंट से शासन होता है। सिटीजनशिप, तो नागरिकता पे क्या विचार है अरिस्टोटल का? तो अरस्तु के अनुसार वो व्यक्ति नागरिक है जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। तो अगर कोई सिटी स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वही व्यक्ति नागरिक कहलाने के योग्य है। बार्गर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाता है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होगी। कौन कौन से? इसमें महिलाएं हैं, फीमेल है, शिल्पी हैं यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, फिर बूढ़े एवं बच्चे, दासों को भी नहीं दिए जाएगी और विदेशियों को भी नहीं दिए जाएगी। अरस्तु का कहना है कि यह तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्क पर शासन करेगा। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है, ड्यूटी बेस्ड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल देते हैं। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। नागरिक के गुण, तो अरिस्टोटल के अनुसार नागरिकों का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता, उसके अनुसार या उसके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण, अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस और न्याय आदि होते हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक और नागरिक दोनों का गुण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। संपत्ति पर विचार, तो व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है, लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन बाह्य परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक तरीके से या नेचुरल तरीके से। तो अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि करना इत्यादि संपत्ति अर्जन के प्राकृतिक तरीके, और एक शोषण की विधि होती है, एक्सप्लॉयटेशन की विधि होती है। तो व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति को वो शोषण की विधि से प्राप्त संपत्ति मानता है, लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानता है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। तो ये प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को शोकेस करती है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन और व्यापार एवं सूदखोरी की आलोचना करते हैं। अरस्तु ने संपत्ति वितरण के तीन तरीके बताए हैं, व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और उसे कॉमन यूज किया जाए, यानी कॉमन यूज में आए वो, फिर सामूहिक संपत्ति हो तो कॉमन प्रॉपर्टी हो और उसे इंडिविजुअल यूज करें, इंडिविजुअली उसका यूज किया जाए, या सामूहिक संपत्ति हो ना कॉमन प्रॉपर्टी हो और कॉमन यूज हो। अरस्तु प्रथम वितरण के तरीकों को सबसे अच्छा मानता है, यानी व्यक्तिगत संपत्ति हो और उसका सामूहिक उपभोग हो। क्रांति का विचार, अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए
शासन प्रणालियों के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। अरस्तु के लिए कुलीन तंत्र का गुण तंत्र में परिवर्तन है। इसके अनुसार क्रांति का मूल कारण विषमता या समानता की आकांक्षा है, तो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी इज द मेन रीजन फॉर द रिवोल्यूशन। दो प्रकार की समानता होती है, निरपेक्ष समानता यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटी और दूसरा प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों में विषमता बनाए रखने की आकांक्षा। इसलिए क्रांति अमीर व गरीब दोनों वर्गों द्वारा होती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के इस मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य दो कारण और भी हैं। कौन कौन से? तो अन्य कारण भी हैं, कौन कौन से? शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। तो अगर जो रूलर हैं वो करप्ट हैं और ग्रीडी हैं तो भी शासन में क्रांति आती है। सम्मान की लालसा, इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित एवं योग्य को अपमानित किया जाए तो इक्वली ट्रीटिंग इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। लेकिन आप अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं और इक्वल्स को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं तब भी जो इन एलिजिबल है उसको भी आप उसको सम्मानित कर रहे हैं और जो एलिजिबल है उसको आप अपमानित कर रहे हैं, तब एक काइंड ऑफ रिवोल्ट अंदर से पैदा होगा। शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हों तो इनकैपेबल हों, जो रूलर्स हैं इनकैपेबल हैं। घृणा के कारण भी क्रांति होती है क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। समाज में धनी एवं गरीब वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना भी क्रांति का कारण बन सकता है। विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार हैं। प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए एवं धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो। जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों को स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। तीसरा, धनिक तंत्र में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का आपसी मतभेद, किसी जन आंदोलन नेता द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना, ये भी क्रांति के कारण है। क्रांति रोकने के उपाय, तो अरस्तु के अनुसार क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय मध्यम वर्ग का शासन है, यानी रूल ऑफ मिडिल क्लास। अगर क्रांति को रोकना है तो आपको मिडिल क्लास को शासन देना होगा। जनता में अपने कानून के पालन एवं उनके प्रति सम्मान की भावना हो, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता का अभाव हो यानी इनइक्वालिटी बेसिकली ना हो, एक व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करे, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना हड़पी जाए, शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो, एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली इनइक्वालिटी या विषमता है और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। समानता की आकांक्षा धनी एवं गरीब वर्ग के लिए भिन्न भिन्न होती है। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया है। अत्याचार तंत्र टायरनी का निर्माण राजतंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण, तो अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का रूप है। इसके अनुसार संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर एक, विभागों का निर्धारण एवं बंटवारा, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण, राज्य के उद्देश्य का उल्लेख, सरकार का वर्गीकरण शासन कार्यों में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित होता है, शासकों का उद्देश्य अर्थात शासन जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तु का वर्गीकरण आधारित है। शासन प्रणाली का वर्गीकरण, तो अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? तो अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। नंबर एक, शासन प्रणाली का शुद्ध रूप, राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन, संवैधानिक शासन तंत्र बहुमत का शासन, और दूसरा है शासन प्रणाली का भ्रष्ट स्वरूप यानी करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये करप्ट है। तो इसमें निरंकुश तंत्र आता है, गुड तंत्र यानी धनिक तंत्र का बोलबाला और लोकतंत्र, तो
इसको भी वो करप्ट लोगों का शासन बोलता है। कौन? अरिस्टोटल। सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली, तो अरिस्टोटल ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का उपयोग किया है। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी क्योंकि यह दो प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होगा। अरिस्टो के अनुसार पॉलिटी लोकतंत्र एवं गुणतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप होगा। तो ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी का काइंड ऑफ मिला जुला रूप होगा। अरिस्टो के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है, यानी पॉलिटी है कुल मिला के, क्योंकि इसमें सद्गुण, इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में संख्या एवं विवेक दोनों का समन्वय होता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, इन दोनों के मिश्रित रूप से पॉलिटी शासन प्रणाली का उदय होता है। सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल हों। इस प्रकार पॉलिटी की पॉलिटी अभिजात तंत्र और लोकतंत्र दोनों ही प्रकार की शासन प्रणालियों के बीच का मार्ग है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती, गुणतंत्र संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली होती है, जबकि लोकतंत्र सत्ता पर आधारित शासन प्रणाली है। वह सरकार अधिक प्रभावी और स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में काम करती है। अब अरिस्टो का न्याय सिद्धांत देखते हैं। तो अरिस्टो का न्याय सिद्धांत समानुपातिक है, यानी प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं। कौन? अरिस्टोटल। अरिस्टो ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है, संपूर्ण न्याय यानी टोटल जस्टिस। इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरिस्टो ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता यानी राइटियसनेस शब्द प्रयुक्त किया है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। विशेष न्याय यानी स्पेशल न्याय जस्टिस, तो इसमें संशोधनात्मक न्याय यानी करेक्टिव जस्टिस आता है, करेक्टिव जस्टिस। विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग, काइंड ऑफ करेक्टिव जस्टिस है। और दूसरा है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंतर्गत आता है। अरिस्टो के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। अरिस्टो के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अरिस्टो अनुपातिक समानता के विचार का समर्थन करते हैं। अरिस्टो अंकगणितीय समानता के विचार का समर्थन नहीं करते। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यूनानी भाषा में इसे जून पोलिटिकॉन कहते हैं। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसे एक्लेसिया कहा जाता था। यह विधायिका की भांति कार्य करती थी, एक्लेसिया। फिर अरिस्टो के प्रमुख ग्रंथ तो पॉलिटिक्स है, ऑन द सोल एंड मेमोरी एंड द रिकलेक्शन, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूडेमोनियम, यूडेमेनियन एथिक्स, वर्चूज एंड वाइसेस, मेटाफिजिक्स 10-14, इकोनोमिका या मैग्ना मोरालिया, निकोमेकियन एथिक्स, द कैटेगरीज, टॉपिक्स, अप्रायरी एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, रेटोरिक और पोएटिक्स। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अरिस्टोटल के बारे में एक फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर थे, है ना, पॉलिटिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं, और उन्होंने लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटन फिलोसफी में। उनकी जो मेथड था काम करने को, इंडक्टिव और एम्पिरिकल था। प्लेटो का क्या था? प्लेटो डिडक्टिव मेथड पर काम करना चाहते थे या काम कर रहे थे। अरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स पर भी काम किया, ये फिलोसफी की एक ब्रांच होती है जहां पर बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड पर बात की जाती है। अरिस्टोटल ने 335 BCE में एक एथेनियन स्कूल खोला, जिसे लिसियम कहा जाता है। उन्होंने जो प्लेटो की यूटोपियन थिंकिंग थी उसे रेशनल थ्योरी में बदलने का प्रयास किया।
अरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट था, है ना, अरिस्टोटल का जो स्टेट के प्रति क्या आइडियाज थे उनको देखते हैं। तो अरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट नेचुरल है और ये फैमिली और इंडिविजुअल के पहले आया है। और जो अरिस्टोटल का मानना था कि स्टेट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशियंसी को इंश्योर कर सके और इतना स्मॉल होना चाहिए कि गुड गवर्नमेंट इंश्योर हो सके। फिर उसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट इज द हाईएस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन। तो स्टेट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जितने भी ह्यूमन एसोसिएशन है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, विलेज, तो इन सबसे बड़ा कौन है? स्टेट। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे मिडिल क्लास के द्वारा रूल किया जाता है। अटोल क्या कहते हैं कि एनी चेंज जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में या कॉन्स्टिट्यूशन में आता है वो रिवोल्यूशन है। तो कोई भी चेंज, इवन माइनर चेंज, इज कैन बी द कॉज ऑफ रिवोल्यूशन। अरिस्टोटल एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पर बिलीव करते हैं ना, जिसका मानना है कि मतलब स्टेट एक इंडिविजुअल की तरह है जिसके अपने हाथ, पैर, लेग्स, फेस होता है। अरिस्टोटल गोल्डन मीन की बात करते हैं और उन्होंने मॉरल बिहेवियर को गोल्डन मीन कहा है, जो कि दो एक्सट्रीम के बीच, दो एक्सट्रीम कौन कौन से, एक तरफ एक्सेस है और दूसरी तरफ डिफिशियंसी है, तो एक तरफ अधिकता है दूसरी तरफ कमी है, के बीच मॉरल बिहेवियर एक मिडिल पाथ है, गोल्डन मीन है। अरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है और उनका जो मेन मकसद था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के माध्यम से, वो जो ऑनर्स और वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना चाहते थे। अरिस्टोटल ने स्लेवरी को डिफेंड किया है, उनका कहना था कि स्लेवरी नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। अरिस्टोटल के अनुसार स्लेव दो प्रकार के होते थे, कौन कौन से? कन्वेंशनल स्लेव, जो फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स ऑफ बार, तो जो कन्वेंशनल स्लेव्स होंगे वो प्रिजनर्स ऑफ बार होंगे, और दूसरे नेचुरल, जिन पे रीजन लैक होता है, जिन पर रीजन नहीं होता है, तो वो नेचुरल होंगे, और कन्वेंशनल जो कि युद्धबंदी होते हैं वो। उन्होंने स्लेव, ओल्ड मैन, यंग जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वुमेन और वर्किंग क्लास मेंबर को सिटीजनशिप नहीं देने का विचार दिया है। अरिस्टोटल आल्सो, अरिस्टोटल को फोर काजेस थ्योरी ऑफ, फोर काजेस, चार कारक थ्योरी से एसोसिएट किया जाता है, जिसमें मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज, यानी टिलोस की बात करते हैं, जो कि नेचर ऑफ चेंज को डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अरिस्टोटल यूडेमोनिया की बात करते हैं, जो कि हाईएस्ट ह्यूमन गुड है, हाईएस्ट ह्यूमन गुड है। अरिस्टोटल ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है, प्लेटो के आइडियाज को क्रिटिसाइज किया है, और अरिस्टोटल का मानना था कि प्लेटो मेरे लिए डियर था, प्लेटो डियर थे मेरे लिए, लेकिन ट्रुथ ज़्यादा बड़ा डियर है। प्लेटो वाज अ फ्रेंड, प्लेटो तो फ्रेंड था ही मेरा, लेकिन ट्रुथ ज़्यादा बड़ा फ्रेंड है मेरा। इसका मतलब है कि अगर ट्रुथ के लिए प्लेटो को क्रिटिसाइज करना पड़े तो मैं करूँगा, ये मेन इसका उचित। सिवायन क्या कहते हैं कि अरिस्टोटल्स के जो आइडियल स्टेट है वो हमेशा प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट रहा। तो जो अरिस्टोटल का आइडियल स्टेट क्या है? पॉलिटी। ये प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट रहा। फिर मेन बार कौन कौन से हैं? तो पॉलिटिक्स है, 350 BC में लिखा जाता है, फिर निकोमेकियन एथिक्स है, फिर यूडोमियन एथिक्स है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये महत्वपूर्ण बुक थी उनकी